उद्बोधन के इस क्रम में मैं प्रदेश के माननीय मंत्री नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी भगत साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पे विराजमान देश के और प्रदेश के लाडले यशस्वी आप सबके अपने हम सबके लाडले मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, प्रदेश की मंत्री धार जिले की प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम जी, अलीराजपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश पटेल जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष मुजीब कुरैशी जी, विधायक अलीराजपुर मुकेश पटेल जी, विधायक जोबट कलावती भूरिया जी, विधायक मनावर हीरा अलावा जी, विधायक धर्मपुरी पाचीलाल जी, विधायक सत्तारपुर प्रताप ग्रेवाल जी, कोऑपरेटिव बैंक के हमारे अध्यक्ष कुलदीप बंदेरा जी, मंच पे विराजमान यूथ कांग्रेस के और सभी हमारे वरिष्ठ साथियों, 15 साल से मध्य प्रदेश में 15 साल के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के मुखिया चुनाव में वोट मांगने के लिए आए। जब वो मुख्यमंत्री थे, नगर परिषद का चुनाव आया, आए जमुना देवी जी का स्वर्गवास हुआ, शिवराज सिंह फिर आए, पर 15 साल तक दही की जनता को देने के लिए वो कभी नहीं आए। और हमारे नेता, जन जन के नेता, परम श्रद्धे हमारे मुख्यमंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, एक प्रतिनिधि मंडल जिसको दिल्ली की कोई पहचान नहीं, कोई जानता नहीं, एक आवेदन लेके हमारे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा और कहा कि दही नगर में जल संकट है। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की योजना दही को दी। आज पानी देखिए घर घर नर्मदा जी का पहुंच गया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साहब ने मुझे जवाबदारी सौंपी, किसी को रोड का डिपार्टमेंट मिला, किसी को पीडब्ल्यूडी मिला, किसी को महिला बाल विकास दिया, पर साहब ने मुझे जवाबदारी दी कि नर्मदा मां की सेवा कर और जनता के बीच में उनकी मांग है उनको जाके पूरा कर। उनका मुझ पर आशीर्वाद रहा, उनका मुझ पर स्नेह रहा, झाबुआ की जवाबदारी दी और हमने अपना कर्तव्य मान के और यह सोच के कुक्षी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे भी जाकर काम किया कि अगर साहब ने कोई जवाबदारी सौंपी है तो कुक्षी का हर कार्यकर्ता की जवाबदारी बन के जाती है कि जो सीएम ने जो दिशा निर्देश दिए तो हम किला फतेह करके आएंगे और उनकी इस टीम ने वहां पे जाके किला फतेह किया। उनका एक व्यक्तित्व है, उनका ट्राइबल आदिवासी समाज के प्रति एक स्नेह है, उनके बीच में काम करने का जो मुझे अवसर मिला, मेरे जीवन में ऐसा अवसर मुझे कभी नहीं मिल सकता था। उनका सदैव मेरे पिता पे भी आशीर्वाद रहा, उन्होंने उनको अवसर दिया विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और मंत्री के रूप में भी, और वही आशीर्वाद आज मुझे भी उनकी तरफ से मिलता है। साथियों, मैंने साहब से आग्रह किया कि हमारा दही आदिवासी बहुल्य क्षेत्र और विगत वर्षों से हम लोग प्रयास करते हुए आ रहे हैं, 15 साल तक तो शिवराज सिंह जी से करते रहे कि यहां पे बिजली खाद पानी की तो आप बात करते हो, सिंचाई का क्या होगा, उस आदिवासी के घर का क्या होगा जिसमें पानी पीने के लिए नहीं है। जो जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद साहब ने किसान ऋण माफी, मध्य प्रदेश में किसानों का ऋण माफ किया और मेरे विभाग की पहली योजना
जो साहब ने स्वीकृत करी, बहुत सारी योजना बन के आई थी। मंत्री होते हुए बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि उनके क्षेत्र में चले जाएं। साहब ने एक ही बात कही कि नर्मदा जी का जल पहली डही कुक्षी विधानसभा के डही के आदिवासी के खेत तक जाएगी, आदिवासी के घर तक जाएगी। ये हमारे पे कर्ज हो गया है साहब का। डही की जनता आपकी ऋणी रहेगी। और आज आप देखिए कितना प्रेम है आपके प्रति, कितना आपको लोग चाहते हैं। अपने नेता को देखने के लिए आए हैं, अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हैं। कोई मुखौटे पहन के बैठा है कमलनाथ जी का, कोई उधर से चल जा रहा है जय जय कमलनाथ। तो ये आपकी आपकी जनता का आपके प्रति प्रेम है। साथियों, आज जो योजना आपको साहब ने दी है, नहीं कि हर खेत तक पानी जाएगा, हर जो फलिया है, हर जो गांव है, पीने के लिए वहां पानी जाएगा। साहब की ये सोच हमारे समाज के प्रति, नहीं कि जनता के प्रति। और आज आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जब वहां पे उतरा तो कितने लोग उमड़ रहे थे अपने नेता को देखने के लिए। और कभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो आदिवासी के बीच में उनसे हाथ जाके मिलाता, उनके गले में हाथ डालता है। आज वहां पे रास्ता बंद था, नहीं तो आपके बीच में वहां तक जाते साहब, आपसे भी वहां के आके मिले। ये आशीर्वाद साहब की तरफ से कुक्षी की जनता को मिला है। दूसरी बात, एक और जिसके बारे में साहब खुद बताएंगे कि कुक्षी के लिए भी उद्वहन सिंचाई योजना की का प्रस्ताव हमने साहब को दिया था और कल ही साहब ने उस पर कुछ निर्णय लिया है, जिससे कुक्षी और निसरपुर ब्लॉक के भी सभी गांव सिंचाई के लिए, खेत सिंचाई के लिए और घर घर पानी की भी व्यवस्था साहब के माध्यम से होगी, जिसका साहब उल्लेख करेंगे। मैं आप सभी की ओर से, हमारे समाज की ओर से, हमारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो जवाबदारी एक मंत्री के रूप में आपने मुझे सौंपी है, हमारी ये पूरी टीम, हमारी पूरी नई कुक्षी विधानसभा की जनता सदैव आपके साथ में है। जब भी आप जहां बोलेंगे, ये सेना आपके लिए वहां पे खड़ी रहेगी। इसी बात को आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वस्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, जितने भी यहां पे लोग बैठे हैं, सभी लोग जोरदार तालियां बजा के हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद दीजिए। और जोर से, और जोर से, और जोर से, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।